રાજસ્થાનના નાયબ મુખ્યમંત્રી દિયા કુમારી રાજકોટ પ્રવાસે આવ્યા હતા, જ્યાં તેઓએ જણાવ્યું હતું કે રાજકોટ ખાતે લોકસભા ચૂંટણી કાર્યક્રમ માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જે તક આપી રાજકોટ મોકલી છે તે માટે વડાપ્રધાનનો આભાર વ્યક્ત કરું છું। વધુમાં તેઓએ ઉમેર્યું હતું કે ભાજપ લોકસભા ચૂંટણીમાં 400 પ્લસ બેઠક ખૂબ સરળતાથી જીતશે। વધુમાં તેઓએ જણાવ્યું કે ભાજપ જે રીતે ટિકિટની વહેંચણી કરે છે તેમાં સારા લોકોને ટિકિટ મળતા પરિણામ પણ સારું જ આવશે। भारत में जे 33% महिला आरक्षण माटे केंद्र सरकारे पहल करी छे तेने ध्याने लई लोकसभा चूंटणी में पण महिलाओं ने प्राथमिकता आपवामां आवी छे। તેઓએ ઇન્ડિયાના ગઠબંધનને લઈને જણાવ્યું હતું કે આવું કોઈ ગઠબંધન છે જ નહીં અને લાંબુ ટકશે પણ નહીં। મેં સભી કા આભાર વ્યક્ત કરતી હું। આજ રાજકોટ લોકસભા પ્રવાસ કે અંતર્ગત લોકસભા ક્લસ્ટર પ્રવાસ કે અંતર્ગત મેં યહાં રાજકોટ આવી હું और यहाँ पर हमारे एमपी साहब, हमारे राज्यसभा एमपी साहब, हमारे सभी प्रभारी गण, हमारे जो जिले के अध्यक्ष हैं और सभी का, पूरे कार्यकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यहाँ आने का उन्होंने अवसर प्रदान किया और बहुत ही अच्छा लगा। अलग अलग कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में अभी हम लोग शुरुआत करेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम, बहुत अच्छा माहौल है, 400 पार करेंगे निश्चित रूप से। देखिए, ऐसा है कि हमेशा ही अच्छे लोगों को टिकटें दी गई हैं और उसका नतीजा भी हम लोगों ने देखा है और इस बार भी वही होगा और बहुत अच्छा सिलेक्शन प्रोसेस होता है और पूरा टीम सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसमें अच्छे लोगों को अवसर मिला जाए। 33% आरक्षण भी महिलाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के द्वारा मिला और हम सभी महिलाएं उनका बहुत बहुत आभार बार बार व्यक्त करती हैं और इस बार भी हम लोग जरूर, मुझे लगता है कि इस बार भी जब सीटें जब सिलेक्शन होगा उसमें महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाए कि उनका कोई गठबंधन ही नहीं बचा और धीरे धीरे जो कुछ बचा कुचा है वो भी खत्म हो जाए। देखिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, जो भी कुछ है बहुत जल्दी मुझे लगता है आपके सामने आ जाएगा।